brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. सारी दुनिया अखबार सुबह सुबह पढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री रहे एचडी देवगौड़ा को अखबार पढ़ने का समय तब मिला जब पीएम मोदी 20 अप्रैल को दिल्ली से कर्नाटक के चिकबल्लापुर आए थे रैली करने। मोदी जब जनता से मिल रहे थे तब देवगौड़ा साहब ने द हिंदू अखबार खोलकर वो बैठ गए। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर दी। मोदी देवगौड़ा की फोटो वायरल, काम सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और उनकी टीम ने संभाल लिया। अखबार में छपा लोटा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार का हथियार बन गया है, जिसे रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेस नेता कर्नाटक चुनाव में घूम रहे हैं। देवगौड़ा जो अखबार रैली में पढ़ने के लिए लेकर आए थे उसके फुल फ्रंट पेज पर कांग्रेस का विज्ञापन छपा था। बड़ी सी फोटो लगी थी लोटे की। लोटे को कन्नड़ भाषा में चोम्बू कहा जाता है, जिसे छल और खोखलेपन का प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। फोटोग्राफर ने जब फोटो क्लिक की तब लोटे वाला कांग्रेस का विज्ञापन बिल्कुल मोदी के सामने था। देवगौड़ा का चेहरा अखबार से छिपा हुआ था। मोदी आए तो विज्ञापन छपवा दिया ये बताने के लिए कि उन्होंने कर्नाटक के साथ कितना छल सौतेलापन किया है। कांग्रेस के विज्ञापन में कन्नड़ में लिखा गया, मोदी सरकार का कर्नाटक को उपहार चोम्बू। लोगों के खाते में 15 लाख जमा करने, किसानों की आय दोगुनी करने, टैक्स का पैसा ट्रांसफर के बदले चोम्बू मिला। इसीलिए चुनाव में बीजेपी को भी चोम्बू यानी कि खाली लोटा दे। सो दिस इज बीजेपी चोम्बू सरकारा, टाइम टू डिफीट बीजेपी चोम्बू सरकारा एंड टू इलेक्ट कांग्रेस नेशनली। दैट्स व्हाई अक्रॉस द स्टेट पीपल एज मोदी जी कम्स हियर, people are showing him chombu because that's what they are going to return to him. कांग्रेस के लोटे के जवाब में बीजेपी ने भी सिद्धारमैया की लोटे वाली फोटो शेयर करके जवाब दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि लोटे को खाली तो कांग्रेस ने किया। वैसे रैली में देवगौड़ा ने वही अखबार भाषण देते हुए भी दिखाया कि कांग्रेस गलत प्रचार कर रही है। मोदी ने चोम्बू को अक्षय पात्र बना दिया है। ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಶಾಸಕರೇ, ಎನ್ಡಿಎ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ನಾವು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
28 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ 10 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಂಬೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೆ ಬಾಕಿ ರಾಜ್ಯೋ ಕಿ ತರಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾ ಭಿ ಆರೋಪ ಹೈ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೇದಭಾವ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಕೇಸ್ ಕಿಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಯಾಚಿಕಾ ದಾಯರ್ ಕರ್ಕೆ ಆರೋಪ ಲಗಾಯಾ ಕಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಖಾ ಪ್ರಬಂಧನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ 17,400 ಕರೋಡ್ ದೇನೆ ಸೇ ಮನಾ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಲಡ್ ರಹೇ ಹೈ. ಮೋದಿ ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆತೆ ಹೈ ಔರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಘೋರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಜಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಲೋಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಕಿಸಾನ್ ಅಪ್ನಾ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ, ಡ್ರೌಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ 17,400 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ, ತೋ ಮೋದಿ ಜಿ ಉನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಲೋಟಾ ಪಕಡಾ ದೇತೆ ಹೈ. ಜಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಲೋಗ್ 15ವೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ 60,000 ಕರೋಡ್ ಕಾ, ತೋ ಜಬ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಕ್ ಪೈಸಾ ನಹೀ ದೇತಿ, ಹಮೆ ಕೇವಲ ಚೊಂಬೂ ಪಕಡಾ ದೇತಿ ಹೈ ಯೇ ಲೋಟಾ ಖಾಲಿ. ಜಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಲೋಗ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾ 6,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ जो भारत सरकार के बजट में अनाउंस हुआ और उसमें से एक फूटी कोड़ी कर्नाटक को नहीं मिली वो मांगते हैं, तो मोदी सरकार उन्हें एक खाली लोटा पकड़ा देती है. जब कर्नाटक के लोग 100 रुपया टैक्स में देते हैं और उन्हें केवल 13 रुपया वापस मिलता है, जब वो अपना अधिकार मांगते हैं तो बीजेपी की मोदी सरकार उन्हें खाली लोटा पकड़ा देती है. कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मांग हो रही थी, लेकिन चुनाव के समय अचानक मोदी सरकार हरकत में आई. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी सरकार ने कर्नाटक को पैसे देने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी हासिल कर ली है. अगली सुनवाई तक कुछ ना कुछ हो जाएगा. 2019 के चुनाव में कर्नाटक बीजेपी के लिए बड़ा किला बनकर उभरा था. 2014 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बनकर उभरा है. 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदलने लगी है. कई ओपिनियन पोल का अनुमान है कि कर्नाटक में बीजेपी को 50% सीटों का नुकसान हो सकता है. कांग्रेस 15 से 18 और बीजेपी 10 से 12 सीटें जीत सकती है. कर्नाटक में 26 अप्रैल और 6 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. 26 अप्रैल को दक्षिणी कर्नाटक की 14 और 7 मई को उत्तरी कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों में वोटिंग होनी है. इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक.